भी आए और देखा है कि हमारे टर्की ने अंडे दिए अभी अभी, चेक किए हमने, चार अंडे दिए हुए, ये गर्म है, मैंने अभी भी यहीं से उठी है, चेक करें तो यहाँ पे अभी नेवला है, तो इधर आया था, लड़ रही थी टर्की के साथ, झगड़ा शुरू किया था जब आया थे ना। तो अभी अभी हम पहुँचे, बाइक ही खड़ी है हमारी, तो यहाँ हम आए तो ये टर्की लड़ रही थी नेवले के साथ, नेवला यहीं कहीं घुस गया है, तो ढूंढ रहे अभी तक निकल रहा नहीं, तो इसके लिए कोई प्रोसीजर करेंगे, स्टैंड ले लिए यहाँ से ताकि नेवला यहाँ से खाए ना। तो नेवले के साथ क्या करेंगे फिर साहब, थोड़ा नहीं टूटा, नहीं 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 नहीं। तो टर्की के अंडे फार्म पे ले आए हैं, वहाँ नेवले से थोड़ा ख़तरा था, तो ये हमारी टर्की घूम रही है, और नर इसके अंदर है, नर अंदर है, नर अंदर पड़ा हुआ है, नर को चेक करते हैं, नर चेक कर रहे हैं, नर यहाँ खड़ा है इसका, तो फिर सब अंडे रख दिए हैं, फिर से इस पर नर नहीं बैठता अंडों पे, अच्छा नर नहीं बैठता मुर्गियों जैसे, तो चेक करेंगे कब तक उड़क हो जाएगी ये, कब तक उड़क हो जाएगी अंडों पे, कम से कम महीने लगेगा, लगेगा। मुर्गी के तरह सिस्टम इसके भी, तो नेवला के क्या करें, नेवला वो इसके बच्चे बिकाते हैं, अंडे बिकाते हैं, अभी कोई पकड़े हैं सीन है या नहीं जी, पकड़ना या नहीं उसे, उसका पकड़ने का तरीका बना लेंगे, अभी बनाएंगे, तो अगला जो हमारा प्रोसीजर है गोश्त पर दवाई ववाई डालेंगे ना, जबरदस्त जहर वगैरह डालेंगे, ये कोई केज नहीं मिलता जो चूहो वाला है उसमें बंद करेंगे, वो भी ठीक है लेकिन अभी इसका कोई तरीका बनाते हैं ना, तो नेवले के लिए कुछ करते हैं और सेटिंग वगैरह बनाते, क्योंकि ये हमारे बच्चे भी फिर रहे हैं तो ये भी थोड़े ख़तरे में, तो इस मुर्गे ने अंडे स्टार्ट किए हैं फिर सब, या दूसरी खड़ी है, इसने स्टार्ट किए हैं, ज़बरदस्त, एक ये घूम रही है, एक ये तो मेरे ख्याल में कुड़क हो गई है, कुड़क हो गई है, आवाज़ दे रही है, तो ये मेरे ख्याल में कुड़क हो गए, अंडे इसके नीचे रखने हैं, क्या करना है अभी, अंडे रखने हैं, अंडे तो इधर जो, एक और काम भी करें, टर्की के अंडे भी इसके नीचे रख दें, टर्की के चार पांच अंडे और हो जाए ना, तो इसी के नीचे, ये तरीका सही है, ठीक है ना, ये इसी के नीचे रख दें, क्योंकि मुर्गी ने पहले बार अंडे दिए हैं और चार पांच अंडे इसने दिए हैं, तो चार पांच अंडों पे इसे हम नहीं बिठाएंगे, चार पांच अंडे टर्की के भी रख देंगे साथ, ताकि 10-15 अंडे और हो जाएं, अभी ये चीख लाएँ, ये दरवाज़ों को लगाएंगे हम, ताकि सर्दी से बचे रहें हमारे जानवर, तो पहले से फिर से ये बना हुआ है, प्लास्टिक ऊपर लगाएंगे, एक ये हो गया और साथ में दूसरा ये बना हो गया, ये दो ही या तीन है, दो हैं, तो दोनों दरवाज़ों को लगेंगे, किस दरवाजे को लगाना है फिर साहब, ये जो आधे खुले नहीं, ये जो आधे खुले हुए तो इन्हें दो प्लास्टिक लगाने, चिक लगाने, और चिक के ऊपर हमने प्लास्टिक लगाने ताकि अंदर सर्दी ना जा सके, क्योंकि जानवर अभी सर्दी बढ़ गई है, तो बच्चे भी होते हैं जानवरों के, बेबी काउस देखने पड़े हुए हैं, तो प्लास्टिक मिला नहीं, तो ये प्लास्टिक की बोरियाँ हम ले आए हैं, तो इसी के ऊपर लगाएंगे, इस चिक के ऊपर, तो काम चल रहा है, हम सोच रहे थे ये दो दरवाजे बंद कर रहे हैं, तो साथ ये जो और दरवाजे नज़र आ रहे हैं आपको दो तीन, तो इसी भी साथ में बंद कर देते हैं, तो काम थोड़ा बढ़ चुका है, और बोरियाँ भी मेरे ख्याल में कम पड़ जाएंगी, तो देखते हैं अगर कम पड़ी तो और बोरियाँ लाएँगे, प्लास्टिक मिल रहा नहीं है, और अभी हम जा नहीं सकते बाज़ार, क्योंकि बाज़ार थोड़ा दूर भी है हमसे, तो टाइम ज़ाया होगा, इसलिए हम इसी बोरियों पर गुजारा करेंगे फ़िलहाल, तो थोड़ा प्लास्टिक यहाँ से मिल चुका है, यहाँ पड़ा था हमारे पास थोड़ा एक्स्ट्रा, तो नीचे से यहाँ काटा है, तो ये भी काम आ जाएगा हमारे चिक के लिए, दरवाज़ा कवर हो चुका है, तो नीचे हमने प्लास्टिक लगाया, ऊपर बोरी लगाई है, जब अंदर तो कोई काम होगा तो इसे इसे ऊपर कर सकेंगे, तो आप सोच रही हो कि हमने ये बंद क्यों नहीं किया, क्योंकि यहाँ पे अक्सर गायें खड़ी होती हैं, नीचे पानी होता है, तो हम ऊपर पंखा लगाते हैं ताकि हवा लग सके इन्हें, इसलिए हमने इसे फुली कवर नहीं किया है, तो जब भी पंखा चलेगा इसको हम ऊपर करेंगे, हवा लगेगी और जो अंदर जगह है वो सूखेगी, उनका अपडेट भी आपको दे देता हूँ, तो ये हमारी गाय खड़ी है, गाय पहले से बीमार थी, बताया था मैंने आपको पहले, तो थोड़ा सा इसमें काम और बाकी है, अभी रिकवर नहीं हुई कम्प्लीट, तो ये छुआ ही चल रही है दूध निकालने गाय का, तो फिलहाल बाकी है, ये दूसरा हमारा बन गया है गेट के लिए, जब ये कंप्लीट होगा साथ साथ उसके बाद इसकी कंप्लीट वीडियो डालेंगे, तो आज आपने अपडेट भी चेक कर लिया, हमारी सरप्राइज़ देख लिया, टर्की ने अंडे दिए थे और सर्दियों की तैयारी भी चल रही है हमारी गायों के लिए, तो उम्मीद है आपको हमारा व्लॉग पसंद आएगा, व्लॉग में मिलते हैं अगले व्लॉग तक के लिए, अल्लाह हाफिज़।